मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम डिस्पो वैन नीडल का फुल रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि इस नीडल का यूज़ मेडिकल लाइन में कितना ज़्यादा किया जाता है और इस नीडल के यूज़ करने से हमारे इंजेक्शन लगाने का जो तरीका है कितना सॉफ्ट हो जाता है, और साथ में ही पेशेंट को जब लगाया जाता है नीडल चेंज करके तो उन्हें कितना अच्छा लगता है, यानी कि उन्हें कोई भी पेन नहीं होता इस डिस्पो वैन नीडल के यूज़ करने से। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, ये है डिस्पो वैन नीडल जो कि आपको 25 से 50 पैसे का एक नीडल पड़ेगा, और इस नीडल का यूज़ है जैसे कि कई बार हम क्या होता है कि इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये 5 ml का सिरिंज है और मान लीजिए कि हमें इंजेक्शन लगाना है और इस इंजेक्शन में यानी कि इस सिरिंज में हमें 2-3 इंजेक्शन को मिक्स करना है, तो उसके दौरान क्या होता है कि जब हम इस सिरिंज को 2-3 वायल में इंटर करते हैं तो इसका जो पॉइंट है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसकी जो नोक है यानी कि पॉइंट है मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हम जब पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो उन कंडीशन में हमें क्या करना है कि देखिए, सारा काम हम इस 5 ml सिरिंज से कर लेंगे, कोई भी सिरिंज हो 5 ml सिरिंज से सारा काम कर लेते हैं, यानी कि 2-3 इंजेक्शन को मिक्स करना, और जब मिक्स हो जाता है तो उसके बाद हमें इस नीडल को इस सिरिंज में लगा देना है पॉइंट पे, और उसके बाद जब हम ये जो नीडल है बिल्कुल सेफ़ रहती है, इसमें पैक है, और जब हम इंजेक्शन किसी को लगाते हैं ये नीडल लगा के, तो उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं होता कि हमें इंजेक्शन लग रहा है और थोड़ा सा भी उसको पेन नहीं होता। तो इस तरह हमारा जो हाथ है बिल्कुल हल्का हाथ माना जाता है इस नीडल के यूज़ करने से, और साथ में पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता। और भी जगह इस नीडल का यूज़ है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फोड़ा फुंसी है, पक गया है, बिल्कुल पीला हो गया है और उसके अंदर का मवाद हमें बहवाना है यानी कि निकालना है, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि हम छोटे फोड़ा फुंसी पे सर्जिकल ब्लेड से सर्जरी नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि इस नीडल को लेकर उस फोड़े या फुंसी पे जहाँ पीला हो गया है उस पार्ट पे पिन कर देना है, पंच कर देना है, और उसको दबा के हम बाहर लेते हैं, मतलब कि ईज़िली उस मवाद को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये था इस नीडल का यूज़। और जगह भी इसका इस्तेमाल है डिस्पो वैन नीडल का, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कांटा वगैरह आपके पैर में चुभ जा रहा है, या कोई शीशा चुभ जा रहा है, या कोई मेटल यानी कि लोहे का कोई चीज़ चुभ जा रहा है जो कि बहुत ही बारीक है, तो उन कंडीशन में भी सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्जिकल ब्लेड लगाने से वो उस जगह पे लंबा चीरा हो जाएगा। तो उन कंडीशन में इस नीडल के पॉइंट से हम उस नुकीली शीशे का टुकड़ा हो या कांटे का टुकड़ा हो या कोई लोहे का टुकड़ा हो ईज़िली निकाल लेते हैं। हम दिखलाते हैं कि इसमें का जो नीडल है वो किस तरह का है। देखिए, जो नीडल है इस तरह के लुक में आता है, सेफ्टी कैप साथ में लगा हुआ है, और जब भी नीडल आप इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी कैप हमेशा लगा लें, नहीं तो बाय चांस आपके हाथ में भी धंस सकता है। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने कैप को, सेफ्टी कैप को निकाल दिया है और ये सामने आपको क्लियर नीडल दिख रहा होगा, और ये नीडल बहुत ही अच्छा है। अक्सर हम जब इंजेक्शन का यूज़ करते हैं यानी कि किसी को लगाना रहता है तो उन कंडीशन में क्या होता है कि हम 2-3 बार किसी वायल में इंजेक्शन को पुश करते हैं तो इसका नीडल जो है बेकार हो जाता है, और साथ में ही हम दूसरे सिरिंज का नीडल इस्तेमाल करते हैं तो उन कंडीशन में हमें काफ़ी कास्टली पड़ जाता है इंजेक्शन यूज़ करना। तो उन कंडीशन में ये सिंगल नीडल
सिंगल नीडल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी मेडिकल एजेंसी पे आसानी से मिल जाएगा। साथ ही इसकी प्राइस भी कम है, और जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो हम एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हैं इस नीडल को लगाने के बाद, और साथ में ही इंजेक्शन लगाने का जो हमारा अनुभव होगा बिल्कुल क्लियर होगा, और साथ में मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए, जो ये निडिल है ओनली वन यूज़ के लिए है, यानी कि एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है, दूसरी बार कभी भी इस निडिल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है और मरीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था डिस्पो डिस्पो वैन निडिल के बारे में, जो कि कितना यूज़फुल है हमारे इंजेक्शन लगाने के तरीके में, और साथ में ही इंजेक्शन लगाने का अनुभव भी हमारा अच्छा होता है पेशेंट पे, और पेशेंट को भी नहीं पता चलता कि हमें इंजेक्शन लग रहा है। तो ये था डिस्पो वैन के बारे में सब कुछ। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटिव और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में आके, हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वीडियो बनाएंगे, और इस निडिल का और भी जगह कहाँ यूज़ किया जाता है सारी बातें बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।